ये बोला जो बाप दादा का जन्म सिंध हैदराबाद से हुए, सिंध से हुआ, और इनका जन्म, बाप का जन्म तो कलकत्ता से होता है, इसमें क्या राज है? बाप कहा गया राम वाली आत्मा के लिए और दादा कहा गया ब्रह्मा के लिए, जिनके सामने कहा गया वो तो ब्रह्मा बाबा को ही बाप दादा समझते हैं और जिनके सामने नहीं कहा गया, लेकिन हद के बच्चे नहीं हैं, बेहद के बच्चे हैं, वो हद में फैले हुए हैं या बेहद में फैले हुए हैं। सिंधी बच्चों से बात हुई ना, तो सिंध माने क्या? सिंध किसे कहते हैं? है? सिंध माने सागर। तो सिंधी बच्चे बेहद में कौन हुए हैं? जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में सिंधी सबसे पुराने माने जाते हैं, ऐसे ही बेहद की भाषा में ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान सागर के बच्चे हैं वो 500-700 करोड़ के बीच सबसे पुराने हैं। तो बाबा तो हद की भाषा में बेहद की भाषा की बातें बताते हैं। और बाकी बाप दादा का जन्म स्थान तो अव्यक्तवाणी में खुद ही पहले बता दिया है, ईस्टर्न जोन। बाप दादा को कहां से सिलेक्ट किया है? कलकत्ते से। यादगार भी कलकत्ता में बनी हुई है। क्या? बनियन ट्री, जो कल्प वृक्ष है उसकी यादगार है। अनेक शाखाओं वाला वृक्ष सागर के किनारे खड़ा हुआ है, उसका बीज है बहुत छोटा और झाड़ है बहुत बड़ा। मुख्य जड़ लोप हो गई, प्राय है लोप हो गई, ऐसे नहीं पूरी लोप हो गई है। क्योंकि बरगद के पेड़ की एक खासियत होती है, लकड़ी दूध वाली लकड़ी होती है, जड़ में स्पेशली दूध भरा रहता है। तो जमीन में जहां तक नमी मिलेगी, पानी का अंश मिलेगा, तो वो लकड़ी कभी सड़ती नहीं है। कहाँ सड़ती है? जहां नमी नहीं मिलती वहां सड़ जाती है। तो जहां बनियन ट्री बना हुआ है वहां की जो मुख्य जड़ है वो प्रायः लोप हो गई है, क्योंकि ऊपर ऊपर पानी नहीं है। नीचे उस जमीन की अगर खुदाई की जाएगी तो वो जड़ बिल्कुल साबुत मिलेगी, लेकिन इस बात का किसी को पता ही नहीं है अभी। और तो बाप दादा का जन्म स्थान तो कलकत्ता है। बाप माने सूर्य, और सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व। हिंद देश पूरब में है या पश्चिम में? पश्चिम में। तो जन्म स्थान कैसे हो गया? हद की बात नहीं है, बेहद की बात है। और बाबा जैसे बेशक ब्राह्मण वाले हैं और वहाँ जो कन्याएं हैं वो शुरू से ही जन्मजात से ही पवित्र है। पवित्र है, हाँ जी, जन्मजात से ही पवित्र है। जब से वो सरेंडर हुई है, सरेंडर हुई है तब से पवित्र है। उससे पहले भी पवित्र थी वो कन्या, लेकिन बाप का ज्ञान जो है उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? पवित्रता सिर्फ शरीर की होती है या दृष्टि के भी होती है? दृष्टि से वृत्ति बनती है, वायुमंडल बनता है, उसकी भी पवित्रता आंकी जाएगी या नहीं आंकी जाएगी? पवित्रता का फाउंडेशन क्या है? दृष्टि, वृत्ति और संकल्प। जैसे संकल्प चलेंगे वैसे स्वप्न भी आवेंगे। तो दृष्टि व्यभिचारी बन रही है, वहाँ व्यभिचारी दृष्टि बनाने का उपक्रम कराया जा रहा है, या दृष्टि अव्यभिचारी बन रही है? जब एडवांस ज्ञान आपने सुना तो आपने ये प्रश्न नहीं किया। प्रश्न करना था कि सीढ़ी के चित्र में भक्ति मार्गी रावण राज्य की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ से दिखा दी गई? वहां तो कन्याएं पवित्र रहती हैं। रावण राज्य में दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और स्वप्न व्यभिचारी ही बनेंगे या अव्यभिचारी भी बनेंगे? क्या होगा? अव्यभिचारी भी बनेंगे। अव्यभिचारी बनेंगे। आप आंख लड़ाते रहे, लड़का लड़की दोनों साथ साथ बैठ करके, और अव्यभिचारी संकल्प चलेंगे, जबकि बाप का ज्ञान ही नहीं है, बाप की पहचान भी नहीं है। हाँ, बाप की पहचान हो और फिर प्रैक्टिकल में इंद्रियों का व्यभिचार देखने में भले आए और वृत्ति उपराम हो, तब तो कहा जा सकता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो चित्र बने हुए हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया की उस प्रैक्टिस की यादगार है, जहाँ प्रवृत्ति मार्ग पोषित करता हुआ दिखाया गया है कि बल प्रवृत्त रहे इंद्रियों से फिर भी मन बुद्धि से उपराम रहे। बाकी जिनको ज्ञान ही नहीं है बाप का, बाप की पहचान ही नहीं है, तो किसकी याद में बुद्धि टिकेगी? याद सर्वव्यापी होगी या एक व्यापी होगी? वही हो रही। आया है एक दक्षिणावर्ती शंख है, जो गलत पढ़ते हो तो बता देना। उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। किसको? दक्षिणावर्ती शंख को कुबेर का स्वरूप माना जाता है। महर्षि मार्कंडेय के द्वारा दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना हुई और उसी दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना होने से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। इसका बेहद में क्या अर्थ है? लक्ष्मी बाबा प्रसन्न होती है। लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अच्छा, प्रसन्न होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों में शंख की क्या यादगार है? जब युद्ध होता है तो क्या करते हैं? शंख ध्वनि करते हैं, शंखनाद किया जाता है। लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई प्रसिद्ध है? महाभारी महाभारत लड़ाई। महाभारत लड़ाई में किसका शंख पहले से बजता है? पहले पहले कौन सा शंख है जो पहले उद्घोष करता है? ज्ञान का शंख तो है ही, अज्ञान अज्ञान का शंख थोड़ा ही है। लेकिन वो ज्ञान का शंख किसके द्वारा पहले उद्घोष होता है? भीष्म पितामह के द्वारा। भीष्म पितामह पुरुष थे या स्त्री थी? पुरुष थे। जो पुरुष स्वभाव संस्कार होते हैं वो राजाई के संस्कार होते हैं या अधीनता के संस्कार होते हैं? राजाई के संस्कार होते हैं। और उनकी ये खास और विशेषता थी, सबके ऊपर कंट्रोल चलाने का तो उनका संस्कार था ही। किनका? भीष्म पितामह का। लेकिन प्योरिटी भी उनका संस्कार था। वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी प्योरिटी का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता था। तो उसको कुबेर का स्वरूप माना गया, शंख को। और कुबेर का पार्ट कौन से देवता का है? कौन सा देवता है जिसका पार्ट कुबेर का है? कौन सी दिशा का देवता है? ईशान। ईशान कौन का नहीं है? ईशान कौन का ईश्वर है? ईश्वर अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ। उत्तर दिशा। जो अष्टदेव हैं नार्थ, उनमें उत्तर दिशा में कौन सा देवता स्थापित माना जाता है? कुबेर। ईशान कोण का देवता तो मुख्य है, अष्टदेवों में पहला है, लेकिन उसके बाद दूसरा है कुबेर। तो कुबेर का स्वरूप है दक्षिणावर्ती शंख। शंख ध्वनि होती है, उसका नाम दक्षिणावर्ती रखा गया है। लड़ाई झगड़े की जो शुरुआत है वो एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में असुरों का वास माना जाता है और उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। क्योंकि उत्तर से ही होता हुआ सूर्य पूर्व में उदित होता है। तो जो दक्षिण दिशा है जहाँ असुरों का निवास है, वो असुर लड़ाई की शुरुआत करते हैं या देवताएं लड़ाई की शुरुआत करते हैं? पहले आक्रामक कौन बनते हैं? असुर। असुर आक्रामक बनते हैं। भीष्म पितामह आसुरी संप्रदाय में थे या दैवी संप्रदाय में थे? थे तो देवता, देवताई स्वभाव वाले, फिर भी पक्ष उन्होंने असुरों का लिया, इसलिए लड़ाई की शुरुआत भी उन्हों के द्वारा ही होती है। तो जो बताया गया है कि दक्षिणावर्ती शंख है, उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होती है और उस दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होने से लक्ष्मी उत्पन्न होती है, प्रसन्न है वो उत्पन्न नहीं प्रसन्न होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो जो दूसरा मणका है अष्टदेवों में, वो पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में? स्त्री चोले में। और जो पहला मणका है पुरुष चोले में। जो ज्ञान संख्य की ध्वनि है वो पहले मणके से शुरू होती है या दूसरे मणके से शुरू होती है? ज्ञान शंख जो शंख भेदी जो बजती है वो पहले मणके से उसकी शुरुआत होती है या दूसरे मणके से शुरुआत होती है? सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ और बाप का रूप स्वरूप हुआ शंकर स्वरूप, जिसे ईशान कोण में दिखाया जाता है। तो सन 76 से शंख भेरी बजी या बाद में बजी? 76 से बजी, लेकिन उसका असर लक्ष्मी पर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होना है? लक्ष्मी या गंगा के ऊपर शंख ध्वनि जो शंकर के द्वारा की जाती है, करने वाला शिव बाप है, वो गुप्त क्यों रहता है? इससे लक्ष्मी क्यों नहीं प्रसन्न होती? वही शंख ध्वनि जब दक्षिणावर्ती शंख अर्थात कुबेर के द्वारा शंख ध्वनि होती है तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है? लक्ष्मी और शंकर दोनों के बीच में प्रैक्टिकल ज्ञान किसका है और बोल बोल का ज्ञान किसका है? लक्ष्मी का प्रैक्टिकल है और शंकर का प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, तो असर नहीं पड़ता। और जब असर ही नहीं पड़ेगा तो लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं हो सकती। और वही ज्ञान जब ज्ञान धन का अधिष्ठाता कौन सा देवता माना जाता है? धन किसके पास, कौन से देवता के पास ज्यादा होता है? वो कोषागार अध्यक्ष हो गया। तो वो जब ज्ञान सुनाता है, संगमेरी करता है, तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि कुबेर का ही रूप शास्त्रों में अनुसुईया का दिखाया गया है। तीन मुख्य जो त्रिदेवों की तीन मुख्य देवियां हैं, उनका भी अहंकार खंडन करने वाली है पवित्रता के दृष्टिकोण में, वो है अनुसुईया। तीन देवताओं को भी बच्चा बना लेती है और प्योरिटी के आधार पर ही प्रैक्टिकल होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में ये कार्य की शुरुआत कौन सा मन का करता है? दूसरा मन का, जिसका नाम संसार में कुबेर के रूप में विख्यात होता है। और कोई किंवदंती है कि मेंढक को सांप का मामा कहा जाता है, है? सुना किसी ने? मेंढक को सांप तो मेंढक को खाता है। हाँ, खाता है, ये तो बात ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात है। बरसात के दिनों में अक्सर करके सांप निकलते हैं, मेंढक भी होते हैं, और सर्प जो है वो मेंढक को निकल जाते हैं, खा जाते हैं। तो ये प्रश्न आया है कि सांप मेंढक को खाते हैं और सांप को मेंढक का मामा कहा जाता है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? तो अर्थ तो तब बताया जाए जब असलियत क्लियर हो। हाँ, इतनी असलियत क्लियर है कि सांप मेंढक को खा जाता है, तो बरसाती मेंढक कहे जाते हैं, और किसी मौसम में तो मेंढक होते ही नहीं। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग जो है, सन 36 से लेकर के और 2000 तक का जो पीरियड है, वो मेंढकों का युग कह दो, भगवान का युग कह दो, है तो। लेकिन इसमें मेंढकों की ट्रांट्रां भी बहुत होती है। दुनिया में सभी देशों में कौन से धर्म का राज चलता है? इस्लाम, क्रिश्चियन, आर्य समाज, कांग्रेसियों का, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाने वालों का राज्य, प्रजातंत्र राज्य चलता है सभी देशों। और प्रजातंत्र राज्य में जो नेताएं होते हैं वो हर देश में ट्रा 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 करते हुए देखे जाए। क्या हम दुनिया को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। इस बात की बहुत एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, लेकिन दुनिया दिन ब दिन और ज्यादा स्वर्ग बनती जाती है कि नरक बनती जाती है? नरक बनती जाती है। ऐसे मेंढकों को जो विष्णु जी की शेष सैया है सांपों की, वो सांप कहो या शंकर के पांचों अंगों में लिपटे रहने वाला सर्प कहो, अथवा कृष्ण भगवान के जो नृत्य दिखाया जाता है, डांस, इसके ऊपर सांप के फनों के ऊपर, माने जिन सांपों को भगवान ने कंट्रोल कर लिया वो सांप उन मेंढकों को खा जाते हैं। अभी मेंढक ट्रां ट्रां करने में लगे हुए हैं, क्या काटना बंद हो गई? लगे हुए हैं, हर देश में लगे हुए हैं, खास भारतवर्ष में। ऐसा भी समय आवेगा तो विष्णु की शेष सैया बनने वाले सर्प शंकर जी के पांचों अंगों में लिपटे रहने वाले सर्प और जिन सर्पों के ऊपर भगवान को डांस करते हुए दिखाया गया है वो सर्प इन मेढकों को खा जाएंगे और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मामा कैसे हो? अरे किसी ने बात को अनुमोदन ही नहीं किया कि मामा कहते हैं या नहीं कहते, तो वो बात तो झूठी साबित हो गई। किसी ने अनुमोदन किया कि आपका मामा कहते हैं, उन्होंने किया अनुमोदन और नहीं किया। और जिसने लिखा भाई पूछना वो क्या कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में? जिसने लिखे विचार प्रश्न पूछा जिसने, उसने अपना विचार लिखा। अपना अपना विचार कौन मानता है? ऐसे तो दुनिया में ढेर के ढेर चित्र बना दिए, वो माया की मत पर अपने अपने विचार चलते हैं, अपने अपने चित्र बनाते हैं, अपनी अपनी कथा कहानियां लिख देते हैं। शंकर को भस्म लगाने के लिए शमशान घाट में कोई मुर्दे की राख नहीं मिलती है तो भस्मासुर निर्देश निर्दोष मनुष्यों को भी भस्म कर देता है। इसका वेद का अर्थ क्या है? भस्म किसे कहा जाता है? राख। राख तो ठीक है, भस्म कहा जाता है, लेकिन राख का अर्थ क्या है? हिंदवाणी में बोला है, हम देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, राख कौन बनते हैं, वो देखेंगे। राख बनने का मतलब क्या हुआ? अपने देवान को भस्म करना, जीते जी मरना। तो बाबा देखेंगे कि ऐसे जीते जी स्टेज पर मरने वाले, जीते जी मरने वाले कितने निकलते हैं और कौन कौन निकलते हैं। तो एक असुर था, उसने ये जिम्मा लिया कि शंकर जी को मैं रोज भस्म ला के दूंगा। तो भस्म लगाने का अर्थ क्या हुआ? भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल करते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान मार्ग में देवान को राख लगा देते हैं, बना देते हैं, भस्म कर देते हैं देवान को। और भक्ति मार्ग में साधु संत क्या करते हैं? राख को अपने शरीर में लगाते हैं। तो शरीर में राख लगाने से देवान खत्म हो जाएगा क्या? नहीं हो जाता। जैसे जैन साधु होते हैं, वो मानते हैं कि देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती, बाल नहीं होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? बाल संसार का त्याग करते हैं। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो उन बालों को ही उखाड़ देते हैं। पुरुष अपने दाढ़ी मूछ के दाढ़ बालों को भी उखाड़ देंगे और स्त्रियों के जो गुप्तांग के बाल हैं उनको एक एक करके नोच देते हैं, समझते हैं अब हम निर्विकारी हो गए। तो क्या ऐसे कोई निर्विकारी बन जाते हैं? और ज्यादा विकारी, ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो स्थूल बातें हो गई। जो अर्थ सहित तो बात है वो तो भूल गए। तो ऐसे ही कोई एक भस्मासुर निकला जिसने ये जिम्मा लिया कि हम शंकर जी के लिए रोज राख लाएंगे ताकि वो भस्म रमाते रहे, देवान को भस्म करते रहे। लेकिन फिर उसे राख मिलना बंद हो गई, तो उसने शंकर जी से वरदान मांग लिया कि मैं जिसके हाथ पर, जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने तो ये कहा था जो बुढ़ा हो जाए, मरणासन्न हो जाए, बहुत दुखी हो शरीर से, ऐसों को तुम सर के ऊपर हाथ रखना, भले चंगे लोगों के ऊपर हाथ नहीं रखना। लेकिन असुर तो असुर होते हैं, वरदान लेते समय तो चाव से ले लेते हैं, पर उसका पालन नहीं कर पाते। तो उसने भी सबको भस्म करना शुरू कर दिया, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब ये भस्मासुर ब्राह्मणों की दुनिया के हैं या बाहर की दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया के हैं। ये है हाथ। हाथ का अर्थ क्या होता है? बुद्ध रूपी हाथ। ये तीसरा नेत्र रूपी बुद्ध रूपी हाथ भगवान ने दिया है ब्राह्मणों को कि लोगों का कल्याण करो, क्या उनके देवान को भस्म करो। पुरुषार्थ करते करते बुढ़े हो रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको सहयोग करो। तो बजाय सहयोग करने के क्या करते हैं? जो निरीह प्राणी हैं उनको ही भस्म कर देते हैं। भस्म कर देते माने उनके पुरुषार्थ को नष्ट कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। तो जो दूसरों के पुरुषार्थ को खंडित करेगा उसका अपना पुरुषार्थ भी खंडित होगा या नहीं होगा? होगा। तो उन्होंने कथा कहानी बनाई दी कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को भस्म कर दिया। वो अपने सर के ऊपर ही हाथ रख दिया उसने, डांस करते करते। तो ऐसे बहुत से हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो औरों के ऊपर बुद्ध रूपी ऐसा हाथ रखते हैं, आओ हम तुम्हें राजयोग सिखाएं। भगवान अकेला थोड़े ही राजयोगी बनाए देता है। भगवान अकेला सबको पवित्र बनाए देगा क्या? हम भी भगवान के सहयोगी हैं, इसलिए हमारी बात मानो, हम तुम्हें राजयोगी नहीं बनाए देंगे। ऐसी उल्टी उल्टी बातें पढ़ाए पढ़ोई के भगवान शिवो हम बन के बैठ जाते हैं और सारा उल्टा काम करते हैं। बजाय शिवालय बनाने के क्या बना देते हैं? और ही वैश्यालय बना देते हैं। खुद भी भस्म होते हैं पुरुषार्थ में और दूसरों का पुरुषार्थ भी। बाबा जी, जब आदमी शरीर छोड़ता है हमारे इधर, तो फिर उसको शमशान घाट में ले जाते हो तो शंख बजाते हैं, उसका क्या रहते हैं? दुनिया की मौत कभी होती है कि नहीं? हाँ, होती है। अंत में मौत होती है। तो गायन ये है कि जब मौत हो तो क्या करें, क्या अच्छा हो, अच्छे से अच्छा कि उस समय मौत हो। तो बोलते हैं गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो वो जल की बात है क्या? ज्ञान जल की बात है। ऐसे ही शमशान घाट में वो ज्ञान शंख फूंके जाने की बात है, स्थूल शंख बजाने की बात नहीं है। और प्रश्न आया है जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों की पूजा इकट्ठी होती है, लेकिन उनके साथ लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं होती? उनका मंदिर अलग क्यों और लक्ष्मी का मंदिर अलग क्यों दिखाया जाता है? नाम ही है जगन्नाथ, किसका नाम? सारे जगत का नाम। तो जगत का नाथ सतयुग में होगा, त्रेता में होगा, द्वापर में होगा, या जब 500-700 करोड़ दुनिया के मनुष्य इकट्ठे होंगे इस दुनिया में, तब जगत होगा। 500-700 करोड़ जब मनुष्य इस दुनिया में इकट्ठे हो जाते हैं तो कहा जाता है जगन्नाथ। उस समय की यादगार है जगन्नाथ की। और जगन्नाथ जिसको कहा जाता है भगवान को, वो भगवान वास्तव में भगवान है या भगवान का टाइटलधारी है? भगवान तो एक ही नाम है उसका, भगवान जो सदैव निराकार है उसको कहा जाता है। वो सदैव निराकारी स्वरूप का नाम है शिव। उसका असली स्वरूप है ज्योति बिंदु। वो न नाम कभी बदलता है और न वो रूप कभी बदलता है। लेकिन वो असली जो भगवान है, जब इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में, जब 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि होती है, उस समय इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है कोई मुकर्रर रथ में। जिस मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होता है उसको सारे जगत का स्वामी बनाने के लिए प्रत्यक्ष होता है। जगन्नाथ उसे कहा जाता है। और जगन्नाथ के जगन्नाथ बनने के कार्य में कोई आत्मा तो विशेष सहयोगी बनती होगी, बनती है या नहीं बनती है? कौन है? लक्ष्मी नहीं बनती है, लक्ष्मी सतयुग में होती है। सारे जगत से कनेक्शन लक्ष्मी का नहीं है, लक्ष्मी का कनेक्शन देवताओं से है। नाम दिया है बलराम। उनका सदा साथी कौन दिखाते हैं? राम का साथी बलराम। रामायण में राम और लक्ष्मण को साथ साथ दिखाया है। फिर लक्ष्मण ने कहते हैं एक वरदान लिया, यहाँ तो मैं छोटे भाई था इसलिए सारी बातें आपकी माननी पड़ती थी, लेकिन मुझे ऐसा जन्म चाहिए जिसमें आप छोटे भाई बने और मैं बड़ा भाई बनूं। तो शास्त्रों ने दिखाई दिया कि वो बलराम का नाम जो बड़ा है, द्वापर में द्वैतवादी युग में उनका नाम बलराम हुआ और वो हुए कृष्ण, नहीं राम, उनका नाम हुआ कृष्ण। ऐसे ऐसे कथा बनाई हुई है। वास्तव में है ये संगम युग की बात। क्या संगम युग में राम वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आती है तो ज्ञान में आते समय ही बेसिक में है तो दोनों ही आत्माएं, राम की आत्मा भी आत्मा और कृष्ण की आत्मा भी आत्मा, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा कौन और छोटा कौन, बेसिक नॉलेज है। कृष्ण बड़ा हो गया, राम छोटा हो गया। तो राम को कृष्ण की सारी बात माननी पड़े। फिर 76 शुरू होता है। 76 में राम वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन से बड़ी साबित होती है या छोटी साबित होती है? बड़ी साबित हो जाती है। अब कृष्ण वाली आत्मा छोटी साबित हो जाती है। तो मनन चिंतन मंथन से जो नई बात निकलती है वो सारी बात कृष्ण को मैं उनको माननी पड़े। तो ये उल्टा पलटा होता रहता है, जिसका यादगार उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है। अब तीसरी आत्मा का नाम बताया सुभद्रा। सुभद्रा जो है वो लौकिक जीवन में क्या दिखाई गई है? कृष्ण की बहन दिखाई गई। तो कृष्ण की बहन हुई तो बलराम की भी बहन हुई। वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। नाम रख दिया सुभद्रा। सु माने सुंदर और भद्र माने है। भद्र माने क्या? भद्र माने कल्याणकारी। कैसा कल्याणकारी है? सुंदर कल्याणकारी। एक कल्याण होता है ऐसा, एक कल्याण तो है लेकिन कल्याण के साथ साथ काला कर्म भी हो गया, तो उसका भी नाम शास्त्रों में है भद्रकाली। क्या नाम दिया है? भद्रकाली है। तो भद्र कल्याणकारी तो है, क्योंकि अगर काली ना हो तो असुरों का संघार भगवान तो नहीं करेगा। भगवान प्यार का सागर कैसे बनेगा? भगवान के लिए क्या गायने है? तू प्यार का सागर है, तो ये तो बात खंडित हो जाएगी। इसलिए भगवान संघार का कार्य इसको सौंप देते हैं, शक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। तो शक्ति महाकाली का रूप धारण करती है तो कहते हैं भद्रकाली। लेकिन ये भद्रकाली नहीं है, इसका नाम क्या है? सुभद्रा। तो कौन हुआ? वास्तव में सुभद्रा का पार्ट किसका हुआ? कौन है रुद्रमाला में वो आत्मा? भद्रकाली है, सुभद्रा है। दूसरा जो रुद्रमाला का अष्ट देवों में दूसरा मणका है वो हुआ सुभद्रा। सुंदर भी है और कल्याणकारी भी है। भगवान के लिए टाइटल होता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माने कल्याणकारी और सुंदर माने सुंदर। जो कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। तो दो टाइटल इस नाम में जुड़े हुए हैं। सुभद्रा ये तीन आत्माएं हैं। जो कलयुग के कठोर समय में तीनों आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया है, तीव्र पुरुषार्थ किया है, उसकी यादगार तीनों की पूजा होती है। पूजा का आधार होता है प्योरिटी। लेकिन उनके साथ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। साथ में पूजा तो तब हो जबकि साथ में कल्याण का कार्य किया हो। ये तीनों जो है वो तो रुद्रमाला में अभी तीनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। साथ में सेवा कर रहे हैं, साथ में कल्याण कर रहे हैं, तो साथ में उनकी पूजा भी होती, लेकिन साथ में लक्ष्मी नहीं होती, इसलिए उनकी पूजा भी साथ में नहीं होती। लक्ष्मी की पूजा करने के लिए लक्ष्मी का अलग मंदिर और जगन्नाथ का मंदिर अलग दिखाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा तो मिट्टी है, लेकिन और जो ग्रह उपग्रह हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? कोई भी ग्रह हो, जो कोई भी उपग्रह हो, वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और जो भी जड़त्व में चीज होती है वो कितने तत्वों से बनी हुई होती है? 5 तत्वों से बनी हुई होती है। ये हो सकता है कि कोई में किस तत्व की प्रधानता और कोई में किसी दूसरे तत्वों की प्रधानता। सूर्य में कौन से तत्व ज्यादा विद्यमान है? अग्नि। ऐसे नहीं कहेंगे तो सूर्य में मिट्टी नहीं है, मिट्टी होते हुए भी उसमें अग्नि तत्व ज्यादा विद्यमान है। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, माने पृथ्वी से अलग छिटक के पृथ्वी के आकर्षण में चारों ओर घूमता रहता है। तो जब पृथ्वी का ही हिस्सा है तो उसमें ऐसे नहीं हो सकता है चंद्रमा में पानी बिल्कुल न हो। चंद्रमा में भी पानी भी है लेकिन बहुत थोड़ा है। जैसे कोई भरा हुआ बड़ा बर्तन है और उसमें कोई आकर्षण की चीज है जिसके आधार पर वो पानी उससे लिपटा हुआ रहता है। अगर उसमें से कुछ हिस्सा टूट करके बाहर जाएगा तो जो भारी हिस्सा होगा वो तो दूर जाएगा, लेकिन जो तरल पदार्थ वाला हिस्सा होगा वो चिपक के फिर वहीं आ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही पृथ्वी से जब चंद्रमा अलग हुआ था तो जल का हिस्सा सारा खींच करके किधर आ गया? पृथ्वी की ओर आ गया। फिर भी कहीं न कहीं गुफा में, कहीं क्षेत्र में थोड़ा बहुत पानी रह गया। तो अभी वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि चंद्रमा पर भी पानी है, ऐसे नहीं कि पानी नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत कम। तो कोई भी ग्रह उपग्रह हो, ऐसा कोई उपग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है जिसमें 5 तत्व विद्यमान न हो। खाने के बाद पानी पीने से खाना पचता है, लेकिन खाने के बाद नींद बहुत आती है। और आलस्य आता है। इसका वेद का अर्थ है। अरे वेद में खाना किसे कहा जाता है और पानी किसे कहा जाता है? याद को कहेंगे भोजन, खाना, और ज्ञान को कहेंगे जल। तो सार्थी जीवन में भी तो हम यही करते हैं, पहले याद में बैठते हैं और याद में बैठने के बाद फिर ज्ञान जल से स्नान करते हैं, ज्ञान जल पीते हैं। तो जो याद है वो याद में जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप बनता है, आत्मा का सूक्ष्म स्थिति बनती है, वो ज्ञान जल भोजन को पचाए देता है। कभी देखना डायरेक्ट मुरली पढ़ना और आधा पौना घंटा संगठन में याद में बैठने के बाद फिर मुरली सुनना, दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर देखने में आवेगा। जब याद में बैठने के बाद मुरली सुनते हैं तो मनन चिंतन मंथन अच्छा चलता है, और डायरेक्ट जब कभी आगे आगे बैठा है कहीं से आए और धड़ से धड़ाधड़ मुरली पढ़ने लगे तो उतना मुरली से नई नई बातें मंथन नहीं चलता है। बाकी नींद आती है, आलस्य आता है। तो थोड़ा 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 सबको आता है। थोड़ा थोड़ा को आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। नंबर बात यहाँ पानी पीने की भी बात लिखी हुई है क्या? खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाना पचता है, आसानी से पचता है, लेकिन आगे लिखा है खाना खाने के बाद शक्ति आनी चाहिए, तो शक्ति ना आकर के नींद बहुत आती है। इसका कारण क्या है? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पाचन शक्ति बहुत कम होती है, लीवर खराब होता है। अगर वो खाना खाने के साथ ही साथ पानी पी लेंगे तो उनको खाना पचेगा ही नहीं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो उनका खाना भी अच्छी तरह से पचेगा और लीवर को कोई ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर उन्होंने खाना खाने के साथ साथ पानी पी लिया तो मालूम क्या होता है? उनका खाना पचता ही नहीं। यह भी ऐसे है, कोई कोई है जिनके लिए मुरली में बोला है बाबा ने कि मुरली जब सुनते हो तो सुनते समय कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मुरली सुनते समय सिर्फ मुरली ही सुनना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। याद के लिए ऐसे नहीं कहा। याद के लिए क्या कहा? चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी याद कर सकते। जो जगन्नाथ है उसका झंडा 52 हाथ लंबा दिखाते हैं। ऊंचा झंडा लगाया और उसमें कपड़ा 52 हाथ लंबा लगा दिया, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 52 हाथ लंबा। उससे छोटा अथवा बड़ा झंडा नहीं लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो बुद्धि में आता है? अरे हाँ, अरे थोड़ा इशारा दे। ताश के 52 पत्ते होते हैं। ताश के 52 पत्ते होते हैं। वो तो खेल है, वो तो ठीक है, वो भी संगमिल किया अल्लाह। थोड़ा इशारा तो दिया लेकिन पूरा इशारा नहीं मिला। ताश जुए में काम आती है और जब जुआ खेलने में बहुत प्रवीण थे। पांडवों का जुआ जो है वो मन पसंदीदा खेल था। पांडव कौरवों का जुआ और उसके 52 पत्ते होते हैं। नहीं, वो तो हाथ ही पत्ते 52 होते, हाथ नहीं होते हैं। और वो जुआ नहीं खेला था उन्होंने, उनकी तो चौपड़ थी। अच्छा, राजा बलि के ठगने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? है 52 अंगुल। अब थोड़ा सा इशारा मिल गया, आप बता दो। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी ब्राह्मण होते हैं उनमें पहला ब्राह्मण और सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन होता है? विष्णु को दिखाते हैं ना। प्रजापिता जो पहला ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण है, वही तो जगन्नाथ है। कि कोई दूसरा जगन्नाथ बनता है? तो उसकी लंबाई दिखाई गई है कि पक्का ब्राह्मण है, 52 अंगुल का। क्या इसलिए आजकल मिलिट्री में जब ब्राह्मणों को चुनाव होता है, जब मिलिट्री मेंस को चुनाव होता है, तो जो ब्राह्मण जाति के होते हैं, अगर वो छोटे कद के भी होते हैं तो भी उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठाकुर अथवा जाट या मुस्लिम या क्रिश्चियंस दूसरे धर्म के होंगे तो छोटे कद का स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात तो पहले भी बता दी गई है। कई बार शिवजी के चित्र में जहाँ भारत का चित्र दिखाया है वहाँ द्वापर युग की 2-3 सीढ़ियां थोड़ी सी कटी हुई है। उसका क्या अर्थ है? हाँ, राज्य का खंडन हो जाता है। क्या वहाँ 16 कला संपूर्ण स्टेज नहीं रहती, सर्व संपन्न स्टेज नहीं रहती। गुणों में कटौती हो जाती है, शक्तियों में कटौती हो जाती है। इसलिए वो कटा हुआ जन्म दिखाया गया है, खंडित दिखाया गया है। पूर्व दिशा में आम पहले पक जाते हैं। पहले तैयार हो जाते हैं और पश्चिम में बाद में तैयार होते हैं। इसका क्या मतलब है? जो है वो पूर्व दिशा वालों को ही लगता है। हाँ, सूर्य का उदय होना, पहले सूर्य का उदय होना कहाँ होता है, कौन सी दिशा में? पूरब में होता है। हो गया यार, कोई बोलता तो है नहीं, पर्ची वाली ज्यादा होती है।